तो फाइनली दोस्तों, मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि BSNL के कौन कौन से प्लान हैं, BSNL के 28 दिन वाला प्लान आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे और BSNL का 30 दिनों का प्लान कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा, या BSNL का 365 दिनों का प्लान चाहते हैं तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। मैं आपको टोटल इस वीडियो में क्लियर करूंगा और मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा। ले जाने के बाद से मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा कितने कम बजट में आपको प्लान प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि BSNL कौन कौन से स्टेट में और कौन कौन से एरिया में 5G लॉन्च किया है तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए फटाफट मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि BSNL के कौन कौन से प्लान और कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ऑल प्लान दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गुड गैजेट 365 का ये न्यूज़ है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि 197 रुपये में आपको 2 GB पर डे डाटा वो भी 70 दिनों के लिए BSNL दे रहा है। और आपको यहाँ पे ये सब जितने भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पॉपुलर प्लान है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 108 रुपये में 1 GB डाटा पर डे वो भी 60 दिनों के लिए दे रहा है। और उसके नीचे आपको यहाँ पे और भी मैं सारे एक एक करके प्लान को बताऊँगा। 1515 रुपये का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 2 GB पर डे डाटा वो भी 365 दिनों के लिए दे रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लान है, आप इसे यूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इस प्लान का लाभ उठाकर। तो दोस्तों BSNL का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम करता है ये पता है सबको, लेकिन आप अपने एरिया में आप चेक कर सकते हैं कि BSNL का नेटवर्क है कि नहीं है। टोटल ये 28 दिनों का प्लान है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर 139, 108, 149, 187, मतलब क्या आपको डाटा ज़्यादा दिया जा रहा है लेकिन वैलिडिटी आपको 28 दिनों का ही है। तो दोस्तों जिस हिसाब से आपको चाहिए नेट, जिस हिसाब से आपको डाटा चाहिए, उस हिसाब से अपने मुताबिक आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे सस्ता प्लान आपको रिचार्ज में बता दूं यहाँ पर तो 108 रुपये का दिखाई दे रहा है जो आपको 1 GB डाटा 28 दिनों के लिए दे रहा है। और उसके बाद 139 रुपये का रिचार्ज है जो आपको 1.5 GB पर डे डाटा 28 दिनों के लिए दे रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको 30 दिनों का रिचार्ज के प्लान के बारे में। तो 30 दिनों का जो रिचार्ज प्लान है दोस्तों, ये जितने भी आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 30 दिनों का रिचार्ज प्लान है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस दिया जा रहा है, अगर आप 151 रुपये की रिचार्ज करते हैं तो 40 GB डाटा दे रहा है वो भी 30 दिनों के लिए। तो दोस्तों ये है डाटा वाउचर, इसे आप कॉलिंग वाउचर ना समझें। 151 रुपये में सिर्फ आपको 30 दिनों के लिए आपको 40 GB नेट मिलेगा। और यहाँ पे वॉइस का बात करें तो 147 रुपये की रिचार्ज करते हैं तो 10 GB डाटा आपको यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है और 30 दिनों का वैलिडिटी दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये जितने भी प्लान हैं आप नीचे देख सकते हैं, 94 रुपये का रिचार्ज है, 140 रुपये का रिचार्ज है, 36 रुपये का, 18 रुपये का, ये 18 रुपये का टॉक टाइम है, 36 रुपये का टॉक टाइम है और 199 रुपये का आपका जो रिचार्ज है वह 2 GB पर डे डाटा 30 दिनों के लिए दे रहा है। और यहाँ पर 199 का भी दिखा रहा है, 500 MB दे रहा है 30 दिनों के लिए आपको वैलिडिटी है। तो ये डाटा वाउचर है प्लान, यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लान को चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, डाटा वाउचर दिया है, प्लान एक्सटेंशन दिया हुआ है, ISD वाउचर दिया है, वॉइस वाउचर दिया है। तो सारे आपको वाउचर यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपने मुताबिक आप अपने हिसाब से प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस हिसाब से कौन सा प्लान रिचार्ज करते हैं और ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा। दोस्तों मेरा काम है बताना और मैं बता रहा हूँ, आगे भी हम देखते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे वाउचर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वैलिडिटी दिया हुआ है, 30 दिनों का आपका रिचार्ज चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन सा रिचार्ज आपको अच्छा लगता है। और 28 दिनों का भी रिचार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, 7 दिनों का और 1 दिनों का और 365 दिनों का भी रिचार्ज है। अब आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्राइस रेंज क्या है। दोस्तों आप अपने हिसाब से देखिए, आपको 50 रुपये का रिचार्ज करना है या 50 से आपको 150 रुपये का रिचार्ज करना है, 351 से फिर 450 है, 451 से 1000 है और 1000 का एवब भी रिचार्ज है। तो दोस्तों ये रहा, तो आपको यहाँ पे प्राइस रेंज दिखा दिया, यहाँ पे आपको वैलिडिटी दे दिया गया है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेजिग्नेशन, ये क्या है, आप कौन कौन से स्टेट में आए, यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि नेटवर्क है BSNL का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आपको स्टेट का नाम दिया हुआ है,
आप अपने हिसाब से स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद से वहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि BSNL का वहाँ पे टावर है कि नहीं है। अगर आपके पास BSNL का टावर बहुत अच्छा आ रहा है तो आप इस प्लान का लाभ उठाइए और BSNL को यूज कीजिए, क्योंकि और सारे ऑपरेटर है जो वो अपना डाटा या नेट या जो भी टॉक टाइम का प्लान को बढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों मेरा रिक्वायरमेंट है आपसे कि अगर आपको जो अच्छा लगता है आप उसी को यूज़ कीजिए। तो दोस्तों ये रहा BSNL का रिचार्ज प्लान। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।